हेलो केस, पिछले वीडियो में हमने मेरी गुड मैन यूनिट वन नेहाज अलार्म क्लॉक के क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम करेंगे लेस लर्न मोर। उसमें क्वेश्चन नंबर वन, राइट टू राइमिंग वर्ड्स। हमें यहाँ राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो फर्स्ट है दे हे से, सेकंड बी सी नी, थर्ड वेक के बेक, फोर चैटर मैटर सेटर, फाइव आउट वॉट कॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, राइट फाइव वर्ड दैट बिगिन विद द बी एंड टी साउंड। यानी हमें बी और टी से साउंड करते हो, वैसे फाइव फाइव वर्ड हमें लिखने हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है बी से बेक बर्ड, तो हमने फाइव वर्ड लिखे हैं, बेटर राइट बिटर बॉडी बस। नाउ सी हियर, टी से टेल और टेन, तो यहाँ टी से हमने फाइव स्पेलिंग लिखे है, टुडे टुमारो। नाउ टर्न योर पेज। नाउ थर्ड दिस, फोर ट्रू फाइव डेयर। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द साउंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। हमें एनिमल्स और बर्ड्स के नेम दिए हैं, उसके सामने उनका साउंड लिखना है। अभी हम क्लू बॉक्स पढ़ेंगे, ट्रम्पेट स्क्वीक ग्रंट हिस क्रो चैटर बस ग्राउल हूट हम कू क्रॉ। फर्स्ट है बियर्स, तो वो क्या करता है, ग्राउल। बी बज, कैमल ग्रंट करता है। कॉक्स क्रो, डव्स कू, एलिफेंट्स ट्रम्पेट्स, फ्लाइज हम, फ्रॉग्स क्रॉक, माइस स्क्वीक, मंकी चैटर, आउल्स हूट, स्नेक्स हिस। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज अब्लिक आर एंड वॉज अब्लिक वेर। अभी यहाँ ध्यान दीजिए कि ये सारे वर्ब है, सारे ब्लैंक्स में वो आईएनजी फॉर्म में है, यानी कंटिन्यूअस टेंस है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखते हैं तो एम इज आर और वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है, और अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखते हैं तो वॉज आर वेर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ओके, अभी यहाँ पहचाने कैसे कि ये आईएनजी फॉर्म के आगे एम इज आर लिखना है कि वॉज और वेयर। तो यहाँ आपको ब्रैकेट्स में दिया है नाउ बिफोर। नाउ यानी अभी की घटना, यानी प्रेजेंट। बिफोर यानी पहले हो चुकी है वो इवेंट, यानी पास्ट। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा, बिफोर में पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी देखिए, फर्स्ट मनोज ब्लैंक रीडिंग अ बुक, यहाँ नाउ है इसलिए इज आया। सेकंड वी ब्लैंक प्लेइंग इन द गार्डन, बिफोर इवेंट हो चुकी है तो वेर। थर्ड आई ब्लैंक स्टडी, बिफोर है तो क्या आएगा, आई वॉज। ओके, फोर्थ यू ब्लैंक वॉकिंग वेरी फास्ट, तो यहाँ क्या है नाउ यानी अभी की, तो यू आर। फाइव राज एंड जय ब्लैंक टॉकिंग, यहाँ भी नाउ है तो राज एंड जय आर। सिक्स पायर ब्लैंक सिंगिंग, तो बिफोर है तो पास्ट इवेंट है, तो यहाँ आएगा पायर वॉज। सेवन ही ब्लैंक मेकिंग पेपर बोर्ड, तो नाउ है यानी अभी की, तो ही इज। एट यू ब्लैंक टेलिंग अ स्टोरी, तो यहाँ है बिफोर यानी घटना पहले हो चुकी है, तो बिफोर है तो आएगा यू वर। नाइन द मंकी ब्लैंक जंपिंग ऑन द रूफ, बिफोर है तो आएगा द मंकी वॉज। टेन दे ब्लैंक वॉटरिंग द प्लांट्स, बिफोर तो आएगा दे वेर।
क्वेश्चन नंबर फाइव, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट, या एंड यानी और बट यानी फिर भी, ये दोनों कंजक्शन है। जैसे चॉकलेट एंड आइसक्रीम, मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम चाहिए, ऐसा हम बोलेंगे तब हम एंड यूज करेंगे। मैं बाहर गया फिर भी होमवर्क किया, मैं बाहर गया था फिर भी होमवर्क किया, दैट टाइम हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? बट। ओके, यहाँ सेंटेंसेस अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट, केतन वर्क्स हार्ड, केतन डिड नॉट पास द टेस्ट। देखो केतन ने बहुत मेहनत की थी फिर भी वो पास नहीं हुआ टेस्ट में, तो यहाँ कौन सा कंजक्शन यूज होगा? बट। केतन वर्क हार्ड बट डिड नॉट पास द टेस्ट। यहाँ देखिए दो सेंटेंस थे, यहाँ कंजक्शन का यूज हुआ इसलिए सेंटेंस अभी एक हो गया। ओके, नाउ सेकंड, विनय वेंट होम, ही हैड हिज डिनर। विनय घर पे गया और उसने डिनर किया, तो कौन सा कंजक्शन आएगा? एंड। विनय वेंट होम एंड हैड हिज डिनर। नाउ थर्ड, द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट, टीचर ने बच्चों को बुलाया। सी टोल्ड देम अ स्टोरी, उन्होंने स्टोरी सुनाई, तो यहाँ कौन सा कंजक्शन यूज करोगे? एंड। द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट्स एंड टोल्ड देम अ स्टोरी। नाउ नेक्स्ट पेज फोर, अम्मी फेल डाउन, सी डिड नॉट क्राई। अम्मी गिर गई, सी डिड नॉट क्राई, वो रोई नहीं, तो यहाँ कौन सा कंजक्शन यूज करोगे? बट। अम्मी फेल डाउन बट सी डिड नॉट क्राई। फाइव, रमेश इज अ पोस्टमैन, नरेश इज अ पोस्टमैन, रमेश पोस्टमैन है, नरेश पोस्टमैन है, तो यहाँ रमेश एंड नरेश आर पोस्टमैन, यहाँ इसका क्या हो गया? प्लूरल फॉर्म आर, क्योंकि रमेश एंड नरेश आर पोस्टमैन, यहाँ पोस्टमैन में ए निकल जाता है और ई हो जाता है प्लूरल फॉर्म में। नाउ सिक्स, इट इज संडे, संडे है। आई हैव टू स्टडी, इट इज संडे, संडे है और मैंने स्टडी की, तो इट इज संडे बट आई हैव टू स्टडी, फिर भी मैंने स्टडी की। सेवन, रीता इनवाइटेड हर फ्रेंड, रीता ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। सी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो यहाँ देखिए कौन सा कंजक्शन यूज करोगे? एंड। ओके, रीता इनवाइटेड हर फ्रेंड्स एंड सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। नाउ एट, आई वॉन्टेड टू बाय अ ड्रेस, मैं मुझे ड्रेस खरीदना था। आई डिड नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास मनी थी ही नहीं, तो आई वॉन्टेड टू बाय अ ड्रेस बट आई डिड नॉट हैव एनी मनी, मुझे ड्रेस खरीदना था पर मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए कौन सा कंजक्शन लगा? बट। नाइन, भरत रैन फास्ट, भरत जोर से दौड़ा, ही मिस्ड द बस, वो बस को मिस कर दिया यानी चूक गया, तो यहाँ कौन सा कंजक्शन यूज करोगे? बट। भरत रैन फास्ट बट ही मिस्ड द बस। नाउ टेन, माई फादर मेट द टीचर, मेरे पापा टीचर को मिले। माई फादर मेट द प्रिंसिपल, मेरे पापा आचार्य को मिले, तो यहाँ कौन सा कंजक्शन यूज करोगे? एंड। माई फादर मेट द टीचर एंड द प्रिंसिपल, एंड्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ देखते हैं प्रीपोजिशन, तो ब्लैंक्स में दो प्रीपोजिशन दिया है तो सही प्रीपोजिशन करना है। फर्स्ट, द चिल्ड्रन स्टूड ब्लैंक मॉनिटर क्लोज बिहाइंड, तो यहाँ
मॉनिटर के पीछे इसलिए बिहाइंड. सेकंड माय स्कूल इज ब्लैंक द टेबल नियर इनटू. जब करते हो जो चीज देखते हैं इनटू बोलते हैं. नियर यानी नजदीक तो यहाँ आएगा. थर्ड मीना स्टूड ब्लैंक ऑफ द क्लास इन फ्रंट ऑफ बिटवीन. दो के बीच होगा तो बिटवीन लगे लेकिन यहाँ वो कोई दो चीज या दो कोई किंग्स या व्यक्ति ने दिया है इसलिए मीना स्टूड इन फ्रंट ऑफ द क्लास क्लास के सामने. फोर्थ द बॉयज ड्राइव ब्लैंक द रिवर. अभी जो बॉय है वो डाइव कर रहे हैं वो रिवर में कर रहे हैं तो वो जो बॉयज गति करके रिवर में जाएंगे इसलिए इन टू आएगा. ओके फिर फाइव आई एम सिटिंग ब्लैंक नेहा एंड अमर अक्रॉस बिटवीन. यहाँ मैं नेहा और अमर के बीच में बैठी हूँ तो बिटवीन आएगा. फिर सिक्स द थीप हाइड ब्लैंक द डोर. तो इन फ्रंट ऑफ की बिहाइंड तो वो छिप गया है हाइड हुआ है तो बिहाइंड आएगा. ओके फिर सेवन द डॉग जंप द ब्लैंक द गेट अंडर की ओवर गेट के ऊपर से वो कूदा है इसलिए ओवर. फिर एट में देखते हैं द पुलिस मैन रैन ब्लैंक द रोड. यहाँ अबव और एक्रॉस दिया है. जब यहाँ ये रोड है और रोड के यहाँ से पुलिस मैन इस तरह से जाता है तो हम बोलेंगे अक्रॉस द रोड. ओके तो यहाँ आंसर आएगा अक्रॉस द रोड. क्वेश्चन नंबर सेवन फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ देखिए आपको एग्जांपल जैसे दिया है वैसे आपको ब्लैंक्स फिल अप करनी है. हाई हायर हाईएस्ट या हाई यानी ऊंचा. अगर कोई दो चीज के बीच हम कंपेयर करते हैं देखते हैं हमें ईआर लगाया जाता है तो हायर. समझ लो यहाँ से दो बिल्डिंग है उसमें से कौन सी बिल्डिंग हायर पे है यानी लंबी है हाइट में. और हाईएस्ट यानी सब दो से ज़्यादा के बीच कंपेरिजन करना हो यानी दो से ज़्यादा बिल्डिंग खड़ी हो और उसमें से कौन से हाईएस्ट है तो वो हमें बोलना होता है टाइम वी यूज हाईएस्ट. फर्स्ट टॉल टॉलर टॉलेस्ट लेट लेटर लेटेस्ट स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट हैवी हैवियर हैवीएस्ट. बट हैवियर लिखते वक्त वाई का आई हो जाता है. फिर ये तो याद ही रखना है मच मोर मोस्ट थीन थीनर थीनेस्ट. या एन है वो दो बार लिखा जाएगा बिकॉज ऑफ एन के आगे आई है वो वेल है इसलिए. फिर इजी इजियर इजीएस्ट यहाँ भी वाई का आई हो जाता है. फिर वीक वीकर वीकेस्ट गुड बेटर बेस्ट ये आपको याद ही रखना है. फिर कॉस्टली कॉस्टलियर कॉस्टलियर यहाँ वाई का आई हो गया. ओके गाइस डू इट हैव अ नाइस डे.